सो हेलो गाइस, तो आज हम सोच रहे हैं कि क्यों ना आज हम रिव्यू कर लें अपनी बाइक का, यानी कि KTM 390 एडवेंचर का। तो आज जो है उसका रिव्यू है, और रिव्यू हम क्या कर रहे हैं, हमने इसको 10,000 किलोमीटर जो है इसको चला दिया, इसके कारण से हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। पहली सर्विस और दूसरी सर्विस भी जो है वो मैंने इसकी करा ली है, तो आज इसका रिव्यू है, कहाँ कहाँ पर मैंने चलाई है, कैसी कैसी कंडीशन चलाई है, वो सब दिखाएंगे आज आपको। तो रिव्यू करते हैं अपनी KTM 390 एडवेंचर का, लेट्स गो। तो अगर मैं आपको KTM के बारे में बताना चाहूँ ना, तो KTM जो है ब्रांड के नाम पे एक चमत्कार ब्रांड है, मेरे लिए ऐसा तो मानना है ही। क्यों? क्योंकि इस बाइक को मैं लेके गया था स्पीति में, इसको लेके गया था ऋषिकेश भी, मैं इसको लेके गया, फिर मनाली में इसको लेके गया, और छोटे मोटे ट्रिप तो मैं मारता ही रहता हूँ इधर उधर के। जैसे कि पहला ट्रिप हो गया छोटा सा जो था वृंदावन का, तो वृंदावन में इसको लेके गया, और हाईवे पे इसकी जो टूरिंग है वो लाजवाब की टूरिंग है, और इसको लेकर के जाने में 160 या 150 या फिर 200 किलोमीटर के आसपास तो नहीं, लेकिन हाँ अच्छी खासी टूरिंग जो है इसको चल सकती है। तो इस बाइक ने जो दिया मेरे को लाजवाब परफॉर्मेंस हाईवे पे। अब इस बाइक में जो है खास बात क्या है, खास बात की बात करते हैं कि क्यों ये बाइक जो है लेनी चाहिए, और हम सबसे पहले क्यों बात कर रहे हैं क्यों ये बाइक लेनी चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि टूरिंग जिसको करनी है और लंबे टूर पे या फिर क्रूजिंग करते हुए चलनी है, उसके लिए ये बाइक जो है लाजवाब है, बहुत बेहतरीन बाइक है। दूसरा, इस बाइक में जो है आप ईजिली जो है 100 की स्पीड पे इजीली चला सकते हो, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये 100 की स्पीड पे चल रही है, इसको कोई हैवी फील या हैवी कुछ ऐसा फील नहीं होता। दूसरा, टाइम सेविंग है ये, और कुछ नहीं है कि अगर इस पर 100 स्पीड में चलेगी या फिर 80 की स्पीड में चलेगी तो इससे क्या होता, टाइम सेव होता हमारा टूरिंग का भी, क्योंकि जब मैं लॉन्ग ट्रिप पर जाता था अपनी पुरानी वाली बाइक से तो उसमें जो है काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन इससे मेरा दिन का तकरीबन 1 से 2 घंटा जो सेव होता था, जो मैं कहीं और यूज़ करता था टूरिंग के लिए। और इस बाइक की अगर हैंडलिंग की मैं पोजीशन बताऊं, तो हैंडलिंग की पोजीशन जो है हैंडल करना बहुत ही इजी और बहुत ही आराम से। अगर मेरे जितना हाइट का, अगर लॉन्ग जैसे कि मेरी हाइट है 5'10" की, तो उस 10 के लिए ये इजी है, जो पैर है वो आराम से टिकता है, और इसके क्रूज करने के लिए जो है एकदम सिंपल स्टैंडिंग पोजीशन में एकदम आराम से खड़ा हो सकता है, इसमें कोई ऐसी वो अलग बात नहीं है जो नहीं हो सकता, एकदम हैंडल तरीके से किया जा सकता है। अब बात आती है बाइक के इंजन के रिगार्डिंग में, तो बाइक का जो इंजन है, वैसे तो इसको बोला जाता है 390, लेकिन बाइक का जो इंजन है वो 370 या 375 के आसपास का इंजन है, और इसका जो टायर है वो जो मेरे को बाइक के साथ में मिला था, लेकिन इसका टायर जो है बढ़िया है, एकदम क्या बोलते हैं उसको, उबड़ खाबड़, यानी कि रफ रोड में चलाने के लिए इसका जो टायर जो मुझे साथ में मिला था बाइक का, वो आज तक बेहतरीन टायर है, आज तक मैंने बढ़िया टायर है वो। और दूसरा, जो फ्रंट का जो टायर है वो भी अच्छा टायर है, फ्रंट का टायर जो 90 का, पीछे का टायर जो है 110 की स्पीड का है। अब इसकी ऑयलिंग की रिगार्डिंग में या फिर इंजन के बारे में बात करूँ, तो मैंने ये इसकी सेकेंड सर्विस कराई है, तो सेकेंड सर्विस की जिसकी कॉस्ट जो है तकरीबन मेरे को पड़ी थी 5200 के आसपास में, वो 5200 के आसपास में क्यों पड़ी, क्योंकि मैंने जो है इसमें फ्रंट का जो डिस्क है यानी डिस्क का जो ब्रेक पैड है वो मैंने दूसरे वाले डलवाए थे, क्योंकि 15,000 किलोमीटर चलने वाले, क्योंकि मेरे को आगे चलाने के लिए जो है इजी चाहिए। अब बाइक का अगर मैं चारों तरफ का एरिया दिखाऊँ, तो बाइक दूर से जो है एकदम अट्रैक्टिव लगती है, बाइक को दूर से देखने में एकदम अच्छी लगती है, अगर कोई छोड़ के जाएगा ना, मतलब पीछे से, यानी कि मैं खुद भी खड़ी करके जाऊंगा तो उसके बाद में मेरे को जो है खुद एक बार मुड़ के देखने के लिए जो है देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका अट्रैक्टिव लुक जो है काफ़ी अच्छा है। अब जितनी मेरे को टेक्निकल नॉलेज थी इस बाइक के बारे में वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ज़्यादा खास टेक्निकल नॉलेज जो है मेरे को इस बाइक के बारे में अब है नहीं, लेकिन पहले दूसरी बाइक को जाने देते हैं। लास्ट टाइम मेरे पास में यही बाइक थी, रॉयल एनफील्ड की क्लासिक, लेकिन अभी हमारे पास में KTM 390 एडवेंचर। तो KTM को लेने का सबसे बढ़िया फ़ायदा, क्यों KTM लेनी चाहिए और किसको लेनी चाहिए, आज हम वो बताते हैं। KTM ब्रांड जो है सिर्फ उन को लेनी चाहिए जिसको रेसिंग का शौक हो, या फिर जिसको क्रूजिंग करनी हो, स्पीड में मतलब भगानी हो, और जिसको उसको फील ना हो कि स्पीड में चल रही है, उसके लिए जो है KTM बेस्ट है।
या फिर KTM एडवेंचर उसके लिए बेस्ट है, जो ऑफकोर्स जो टूरिंग वगैरह करता हो उसके लिए, या फिर जिसको लंबी टूरिंग या फिर लंबे टूर के लिए या फिर लंबी एक डेस्टिनेशन दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना हो जिसका डेस्टिनेशन ज़्यादा डिस्टेंस जो है काफ़ी है उसके लिए, क्योंकि हाईवे पे जो है ये बाइक जो है बहुत अच्छी चलती है। और इस बाइक का मेन जो मैं बताऊँ तो वो बस क्या बोलूँ, बढ़िया ही है सब कुछ। तो KTM एडवेंचर 390 जो है जरूर ले टूरिंग वाला बंदा।